गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M52 के अंदर हम किस प्रकार से गाइस हमारी डेट एंड टाइम की जो सेटिंग है उसको हम सेट कर सकते हैं, फिर बोल सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करनी है गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल से स्टेप्स में आपको बताते हैं कि ये सब आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइस हमको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जर्नल मैनेजमेंट का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे हमारा इनेबल है, और साथ ही साथ यूज़ 24 आवर्स वाला फॉर्मेट भी इनेबल है। तो गाइस इसको भी हम ऑफ कर देते हैं और इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। गाइस जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हमको सेट टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, सेट डेट का हमको ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम डेट सेट करेंगे, ठीक है, और टाइम भी हम सेट कर सकते हैं। गाइस बहुत से लोग होते हैं कि 10-15 मिनट अपनी वॉच को आगे रखना चाहते हैं तो वो ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। 24 आवर वाला जो फॉर्मेट है गाइस उसके अंदर आपके गाइस 12, 13, 14 बजते हैं, बट जो आपका गाइस नॉर्मल टाइम रहता है उसके अंदर 1, 2, 3 ऐसे बजेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे टाइम और डेट हमने चेंज कर दिया है। तो गाइस इस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।